बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, जो WTO का पहला एग्रीमेंट है, उसके बारे में पढ़ेंगे। इसको AOA भी बोलते हैं। तो जो यूरोगाय राउंड के एंड के ऊपर जो पहला एग्रीमेंट साइन हुआ या जिसकी मंजूरी हुई, वो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर है। तो इसके अंदर जो रूल्स हैं वो तीन एरियाज के अंदर अप्लाई होते हैं। एक मार्केट एक्सेस है, दूसरा डोमेस्टिक सपोर्ट, और तीसरा एक्सपोर्ट सब्सिडीज। इससे पिछले लेक्चर में आपको याद होगा, हमने एक्सपोर्ट सब्सिडीज के ऊपर बहुत डिटेल के साथ बात की है, सिर्फ यही समझाने के लिए कि इसका क्या इम्पैक्ट है और ये कैसे डिस्टॉर्ट करती हैं इंटरनेशनल ट्रेड को। तो मार्केट एक्सेस, उसमें आम तौर पे टैरिफ्स ऊपर ही बात होती है। तो टैरिफ जो बायर से कोई इंपोर्टर कोई प्रोडक्ट लेके आ रहा हो, उसको मार्केट एक्सेस रोकने के लिए जो गवर्नमेंट्स हैं वो टैक्सेस लगा सकती हैं, जिनको हम टैरिफ्स कहते हैं। तो टैरिफ से मार्केट एक्सेस रुक जाती है, मार्केट एक्सेस पे असर पड़ता है। मसलन एक लाहौर का बंदा इधर फैसलाबाद में एक टेक्सटाइल की फैक्ट्री लगाना चाहता है, लेकिन लेकिन अगर फैसलाबाद का DCO उसको परमिशन ना दे तो वो यहाँ की मार्केट को एक्सेस नहीं कर पा रहा। तो इस तरह की डिस्टॉर्शन या रिस्ट्रिक्शंस को रोकने के लिए इसी तरह के जो रूल्स और रेगुलेशन इंटरनेशनल ट्रेड में भी पाए जाते हैं। मसला इंडिया अमेरिका को मोबाइल फोन मार्केट की एक्सेस दे दे, उनके ऊपर कोई टैक्स ना लगाए, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर सेम प्रोडक्ट हो, बिल्कुल उसी तरह के फीचर हो, वैरायटी हो, क्वालिटीज हो, लेकिन पाकिस्तान के प्रोडक्ट पे वो अगर टैरिफ लगा दे, टैक्स लगा दे, यानी जो पाकिस्तान से माल इंपोर्ट करके इंडिया में ले जाए उसके ऊपर अगर वो टैक्स लगा देंगे, तो इससे क्या होगा, मार्केट एक्सेस पाकिस्तानी फर्म्स की या पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स की, या जो इंडिया में लोग हैं जो पाकिस्तान से चीजें इंपोर्ट कर रहे हैं और जो प्रोडक्ट पाकिस्तान का इंडिया में एंटर हो चुका है, उसको एक्सेस मुश्किल मिलेगी, उसके लिए एक्सेस मुश्किल हो जाएगी। क्यों, वो मार्केट में चला भी जाएगा, लेकिन चूंकि अमेरिका के प्रोडक्ट पे कोई टैक्स नहीं लगा, वो सस्ता बिकेगा, जो पाकिस्तानी प्रोडक्ट है उस पे टैक्स लगा हुआ है तो वो महंगा बिकेगा। तो मार्केट एक्सेस, डोमेस्टिक सपोर्ट होती है, सब्सिडीज एंड अदर प्रोग्राम्स, हम ये देखेंगे अभी आगे चल के, और तीसरा है एक्सपोर्ट सब्सिडीज एंड अदर मेथड्स यूज टू मेक एक्सपोर्ट्स आर्टिफिशियली कंपेटिटिव, और उसकी वजह से सफरिंग होती है। तो एक्सपोर्ट सब्सिडीज, वो सारे जो सब्सिडीज हैं या दूसरे मेथड्स हैं जिससे इंटरनेशनल मार्केट के अंदर कंपटीशन के ऊपर असर पड़ता है। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट अपने प्रोडक्ट को सब्सिडीज दे के इंटरनेशनल मार्केट में पहुंचाती है, दूसरी तरफ से जो बगैर सब्सिडीज वाले प्रोडक्ट मार्केट में आए हुए होंगे तो वो कम प्राइस पे तो नहीं बेचेंगे, इस तरह से कंपटीशन ड्राइव आउट हो जाएगा, वो बायर खत्म हो जाएगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी पेपर की, तो तीन लोगों को आप हर तरह की सपोर्ट दें और बाकियों को आप ना करें, तो उन तीनों का बाकी क्लास के साथ कोई कंपटीशन नहीं है, बाकी क्लास का उन तीन के साथ कोई कंपटीशन नहीं है। तो ये तीन एरियाज हैं एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर के अंदर, जिसके ऊपर WTO ने बहुत सारी रूलिंग्स, रूल्स, रेगुलेशंस दी हुई हैं। हम इनको वन बाय वन डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो मार्केट एक्सेस का जो कंपोनेंट है एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर के अंदर, उसका मेन थीम है कि देयर शुड बी ओनली टैरिफ, टैरिफ ओनली प्लीज। तो जितने भी नॉन टैरिफ मेजर्स हैं दे मस्ट बी रिप्लेस्ड विद टैरिफ, इसको हम बोलते हैं टैरिफिकेशन। टैरिफिकेशन क्या होती है, ट्रेड के ऊपर, मार्केट एक्सेस के ऊपर जितने भी टैरिफ के अलावा के मेजर्स हैं
उनको टैरिफ की शक्ल में लेके आना, जिनको ग्रेजुअली उनको रिप्लेस करना विद द स्टेटस ऑफ टैरिफ, नॉन टैरिफ बैरियर्स को या नॉन टैरिफ एस्पेक्ट्स ऑफ मार्केट एक्सेस को उसको टैरिफ की शक्ल में लगा देना। मसलन जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी है कि फैसलाबाद का डीसीओ कहता है नहीं जी, हम लाहौर के बंदे को यहाँ पे फैक्ट्री नहीं लगाने देते, तो ये कोई लॉजिकल पाबंदी नहीं है। वो कह सकता है कि यार आप बताओ क्या मसला है, आप हम आ रहे हैं, आप हम पे, वो कहता है जी आप 10 गाड़ियां जमा कराओ तो मुझे आप 10 गाड़ियां दोगे तुम्हें, तो ये टैरिफ नहीं है, ये है नॉन टैरिफ, यानी पैसों के अलावा की चीज वो कहता है। या वो कह सकता है कि आप मेरा शेयर रखो उस फैक्ट्री के अंदर, डीसीओ कहता है, तो ये पैसों की शक्ल में ये भी नहीं है। तो लाहौर का जो इन्वेस्टर है वो ये कह सकता है कि आप प्लीज टैक्स लगा दें हम के ऊपर, हम आपको हर एक कपड़े, हर एक थान के ऊपर या हर सूट के ऊपर हम आपको 1%, या आप हम पे 1% टैक्स लगा दो, फैसलाबाद मिल्स टैक्स या कोई भी उसका नाम रख दो। जो टैरिफिकेशन है वो भी यही कहती है कि अगर आपने कोई टैक्सेस के अलावा कोई आपने मैयर रखा हुआ है तो उसको आपने ग्रेजुअली शिफ्ट करना है टुवर्ड्स टैरिफ, इसको हम बोलते हैं टैरिफिकेशन। तो 1995 में आपको मैंने बताया था, 1995 के एंड पे टैरिफ के हवाले से जो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर कहता है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन्होंने टैक्सों टैरिफ को दे हैव टू कट देम बाय 36% ऑन एन एवरेज, ऑन एन एवरेज 36% टैरिफ कम करने हैं। फर्ज करें अगर कोई, जैसे मैंने आपको गाड़ियों की एग्जांपल दी थी, पाकिस्तान जो इंपोर्टेड गाड़ियां हैं उस पे 200-300% तक टैक्स लेता है, तो अगर उस वक्त कोई कंट्री किसी चीज के किसी की इंपोर्ट पे 100% टैक्स लगा रहा था डेवलप्ड कंट्रीज में, तो इट वाज रिक्वायर्ड टू कट टैरिफ बाय एन एवरेज ऑफ 36%। तो उनको ये बता दिया गया कि 1 जनवरी 1996 को आपने जो टैरिफ है वो 74% करना है, कोई चीज अगर बाहर से आ रही है तो उसके ऊपर आपने 36% टैरिफ लगाना है इन इक्वल स्टेप्स ओवर 6 ईयर्स। अब देखें हर 6 साल का टाइम दिया है, 6 सालों के अंदर 36% काम करना है, इसका मतलब क्या है, हर साल 6-6% काम करना था, यानी पहले साल 94%, उससे अगले साल 88%, उससे अगले साल 82%, उससे अगले साल 76%, उससे अगले साल 70%, और फिर उससे अगले साल 64%, तो ये 36% कम हो जाएगा इन इक्वल स्टेप्स ओवर 6 ईयर्स। ये था डेवलप्ड कंट्रीज के लिए, यानी डेवलप्ड कंट्रीज को कहा गया कि अगर आप कोई चीज इंपोर्ट करने पे 36% टैक्स लेते, 100% टैक्स लेते हैं, तो आपने उसको 36% कम करके 64 रुपए 100 रुपए के पीछे आपने लेने हैं, तो उनकी जो टैक्स रेवेन्यू है वो हर 100 रुपए से कम होके 64 रुपए पे चला गया था। जबकि डेवलपिंग कंट्रीज आप देखें तो हम जैसे पीछे पड़ते आए कि डेवलपिंग कंट्रीज को बेनिफिट है भी नहीं भी है, तो WTO के अंदर इन काफी उसका ख्याल रखा गया है डेवलपिंग कंट्रीज का। तो डेवलपिंग कंट्रीज को क्या कहा गया था कि आपने 24% काम करना है, यानी अगर आप एक चीज की इंपोर्ट पे 100 रुपए टैक्स ले रहे हैं तो अब उस पे आपने 76 रुपीज आपने लेने हैं, यानी उनके 24 रुपए कम हुए जबकि डेवलप कंट्रीज के 36 रुपए कम हुए। डेवलप कंट्रीज को 6 साल का टाइम दिया है, इनको 10 साल का टाइम दिया है, ये देखें 10 साल के अंदर इन्होंने 24% काम करने थे टोटल, तो ऑन एन एवरेज 2.4% हर साल इन्होंने काम करने थे, जबकि जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं दे वर नॉट रिक्वायर्ड टू कट एनी टैरिफ। जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको कहा गया कि आपकी जैसे चल रहा है आप चलाते रहें। इसी तरह से एक है स्पेशल ट्रीटमेंट,
इसको हम SSM स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म, ये हम आगे चल के पढ़ेंगे। स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म के अंदर अगर कोई कंट्री कोई मेजर ले रहा है या कोई ट्रीटमेंट कर रहा है तो उसको नहीं छेड़ा गया, उसको कहा गया कि हाँ आप टेरिफिकेशन भी ना करें और आप जैसे चला रहे हैं आपने उस तरह से चलना चलाते रहना। हम ये सेफ गार्ड मेजर्स पे भी हमारा एक एग्रीमेंट है जिसको हम आगे डिटेल में जाके पढ़ेंगे, लेकिन आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि SSM क्या है, स्पेशल सेफ गार्ड मेजर। तो स्पेशल सेफ गार्ड मेजर होता है कि आपकी सिक्योरिटी के हवाले से या आपकी लोकल कंडीशंस या आपके कल्चर के हवाले से कोई चीज बाहर से आके आपके कल्चर को अफेक्ट कर रही है, आपकी सिक्योरिटी के लिए वो नुकसानदेह है, तो आप स्पेशल सेफगार्ड मेजर ले सकते हैं। तो स्पेशल सेफगार्ड मेजर वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो टैरिफ की फॉर्म में आप कह सकते हैं कि 1000%, या आप बिल्कुल ही उन इम्पोर्ट्स को आप बैन कर सकते हैं, या आप नॉन टैरिफ बैरियर लगा के उनको कह सकते हैं कि उसके अंदर फलां चीज होनी चाहिए, हम इसको पहले चेक करेंगे, उसको 100 चीजें अगर आ रही हैं तो उसमें से 10 चीजें हम लोगों को दे के दिखाएंगे या चेक करेंगे कि इसमें कोई मसला तो नहीं है। तो लेकिन अभी भी जैसे मैंने कहा कि मार्केट एक्सेस, तो ठीक है उसके लिए टैरिफ के ऊपर तो काफी काम हुआ और हो भी रहा है, लेकिन सब्सिडीज जो हैं दे आर स्टिल कंटिन्यूइंग। सो द मेन प्रॉब्लम इज दैट सब्सिडीज आर अलाउड टू कंटिन्यू। सब्सिडीज मार्केट एक्सेस को भी अफेक्ट करती हैं, लेकिन डायरेक्ट उनका इंपैक्ट नहीं है मार्केट एक्सेस पे। मार्केट एक्सेस है टैरिफ्स की फॉर्म में कि कोई चीज बायर से आ रही है तो आप उसकी एंट्री को कम करने के लिए या रोकने के लिए टैक्स लगा दें, ये है टैरिफ। लेकिन इससे क्या होगा, मार्केट एक्सेस सफर करेगी। दूसरी तरफ है सब्सिडीज। सब्सिडीज आप टैरिफ रोक रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ से आप जो बाहर से जिन मुल्कों से चीजें आ रही हैं वो उन चीजों की प्रोडक्शन के ऊपर सब्सिडीज दे रहे हैं, तो इससे भी मार्केट एक्सेस पे असर पड़ता है। तो इसको सेकेंड पार्ट है जो हमारा वो है सब्सिडीज, डोमेस्टिक सपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ, डोमेस्टिक सपोर्ट सब्सिडीज की फॉर्म में ही होती है। तो डोमेस्टिक सपोर्ट क्या है, ये सब्सिडीज हैं जो गवर्नमेंट्स देती हैं अपने लोकल प्रोड्यूसर्स को ताकि प्रोडक्शन कंटिन्यू रहे और लोग किसी चीज की प्रोडक्शन को छोड़ ना दें। अगर छोड़ेंगे तो इससे फूड सिक्योरिटी पे असर पड़ सकता है, मार्केट शेयर पे पड़ सकता है, हम डिटेल में पढ़ेंगे, और या फिर आपकी जो लोकल इंडस्ट्री है जो आपकी एम्प्लॉयमेंट है उसके ऊपर असर पड़ सकता है। तो डोमेस्टिक सपोर्ट क्या कहती है, जो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर का सेकंड पार्ट है कि सम यू कैन सम यू कैन नॉट। अब डोमेस्टिकली डोमेस्टिक प्रोडक्शन के अंदर आप कुछ सपोर्ट दे सकते हैं और कुछ के लिए आपको परमिशन नहीं है। फर्ज करें हमने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, आपने भी सपोर्ट प्राइस आपने सुना होगा, तो जो सपोर्ट प्राइस होती है या इनपुट सब्सिडी होती है ये है डोमेस्टिक सपोर्ट के लिए। ये किस लिए होती है, इसका इम्पैक्ट भी हम शो कर सकते हैं, जैसे हमने पीछे एक्सपोर्ट सब्सिडी के अंदर शो किया था, तो इसका इम्पैक्ट भी हम शो कर सकते हैं कि इसका इम्पैक्ट इंटरनेशनल ट्रेड पे बुरा पड़ता है। अब देखिए आप अपनी लोकल प्रोडक्शन को ग्रो करने के लिए बढ़ाने के लिए दो तरह से लोकल प्रोड्यूसर्स को हेल्प करते हैं। एक है कि आप उनको सपोर्ट प्राइस दे देते हैं, जैसे आप सुनते हैं हमारे यहाँ राइस के अंदर, शुगर केन के अंदर, वीट के अंदर और कुछ और कमोडिटीज हैं जहाँ पे गवर्नमेंट सपोर्ट प्राइस देती है। हमने अगर आपने एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स पढ़ा है तो मैंने, मुझे लगता है मैंने थोड़ा बहुत पढ़ाया था, तो एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स में प्रोड्यूसर्स को अगर आपने सपोर्ट करना है तो दो तरह से सपोर्ट कर सकते हैं कि वो जो चीज बना रहे हैं उसकी अच्छी प्राइस उनको लेके दे दें, या जो चीज वो बना रहे हैं उसके लिए सस्ती इनपुट लेके दे दें। तो इससे क्या होगा, लोकल प्रोडक्शन
ज्यादा होगी और जो प्रोड्यूसर है उसको इतना ज्यादा बर्डन कास्ट की फॉर्म में नहीं पे करना पड़ेगा। तो ये ज्यादा ट्रू है, ये ज्यादा रेलेवेंट है इन दी एग्रीकल्चर सेक्टर। ये एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर इसका कंसेप्ट बहुत ज्यादा है। मैंने आपको बताया है व्हीट की गवर्नमेंट सपोर्ट प्राइस देती है। अब अगर गवर्नमेंट सपोर्ट प्राइस ना दे तो जो सप्लाई और डिमांड और जो मार्केट फोर्सेस हैं या ये जो डीलर्स हैं, कमीशन एजेंट्स हैं या ये जो आढ़ती हैं, जो दूसरे व्यापारी हैं, वो फार्मर से मर्जी की प्राइस पे चीजें लें, उनकी जेब में कुछ नहीं जाएगा। तो डोमेस्टिक सपोर्ट एग्रीकल्चर के अंदर इसकी ज्यादा जरूरत है। मैंने जैसे बताया है कि फार्मर्स को बिजनेस के अंदर अलाइव रखने के लिए, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए डोमेस्टिक सपोर्ट जो दो तरह से हो सकती है, वो आम तौर पे जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं या डेवलप्ड कंट्रीज वो करते हैं, ताकि एक तो एम्प्लॉयमेंट के ऊपर कोई असर ना पड़े, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा ना हो, दूसरा फूड सिक्योरिटी का इश्यू ना बने। मसलन अगर गंदम पैदा करने वाले फार्मर्स को सही प्राइस नहीं मिलती तो अगली दफा वो गंदम प्रोड्यूस नहीं करेंगे, जब गंदम प्रोड्यूस नहीं होगी तो जो कंज्यूमर्स हैं, जो शहरों के अंदर रहते हैं लोग, तो उनको खाने पीने का, खाने का मसला हो जाएगा, उनको खाने के लिए आटा नहीं मिलेगा। तो फिर गवर्नमेंट जो है उस कंट्री की, वो उनको दो तरह से सपोर्ट करती है। या तो वो कहती है कि आप गंदम बनाएं, पैदा करें, हम इंश्योर करेंगे कि ये प्रोडक्ट इतने का बिकेगा। अगर तो सप्लाई और डिमांड की बेसिस पे चलें तो फिर शायद जब गंदम की हार्वेस्टिंग होती है उस वक्त प्राइस बहुत ही थोड़ी हो, लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि अब तो 2500 पे भी चली गई है, इससे भी ऊपर चली गई है। तो अब मार्केट फोर्सेस जब गंदम फार्मर के हाथ से निकल के व्यापारी के हाथ में आ गई है, कमीशन एजेंट के पास आ गई है, ब्रोकर्स के पास आ गई है, मिल वालों के पास आ गई है, तो अब वो अपनी मर्जी कर रहे हैं। लेकिन जब तक ये गंदम, आप अगले साल भी देखेंगे, जब तक ये वाला प्रोडक्ट फार्मर के पास होगा, इनिशियल प्रोड्यूसर के पास रहेगा, उस वक्त तक उसकी प्राइसेस डाउनवर्ड ट्रेंड की तरफ जा रही होंगी। उनसे जो खरीदने वाले हैं वो कम प्राइस ऑफर कर रहे होंगे, लेकिन जैसे ही वो खरीद लेते हैं उसके बाद फिर वो अपनी मनमानी शुरू कर देते हैं। तो एक तो ये है कि गवर्नमेंट उस चीज को इंश्योर करने के लिए कि इनको एक रीजनेबल प्राइस मिले जिससे उनका खर्चा पूरा हो सके, उसको हम बोलते हैं स्पॉट प्राइस, आपने सुना हुआ है। दूसरा है इनपुट सब्सिडी। इनपुट सब्सिडी है वो भी प्रोड्यूसर को इनडायरेक्टली बेनिफिट देने के लिए कि आप इनपुट सस्ती, जैसे आप सुनते हैं हमारे यहाँ भी फर्टिलाइजर सब्सिडी है, या ट्यूबवेल के बिल के ऊपर सब्सिडी है, या लेजर लैंड लेवलिंग के ऊपर सब्सिडी है, या जो आप अगर ट्यूबवेल लगाते हैं या आप वो कोई और प्रोजेक्ट शुरू करते हैं फार्म लेवल पे, तो गवर्नमेंट के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिस पे गवर्नमेंट सब्सिडी देती है ताकि उनको जो इनपुट है वो सस्ती मुयस्सर हो। तो ये दो तरह से डोमेस्टिक सपोर्ट होती है। आपने पढ़ा हुआ है बेसिक कोर्स माइक्रो के अंदर भी, मैंने थोड़ा बहुत पढ़ाया था, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी का चैप्टर था। तो इससे क्या होता है, जो डोमेस्टिक सपोर्ट है वो इंटरनेशनल ट्रेड को कैसे अफेक्ट करती है, ये तीन तरह से अफेक्ट करती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये तीन यहाँ पे तो सिर्फ सिंपल तीन पॉइंट्स हैं, लेकिन इस पे क्वेश्चन आ जाता होता है कि डोमेस्टिक सपोर्ट वर्ल्ड ट्रेड के लिए क्यों हार्मफुल है, व्हाई इट इज हार्मफुल फॉर इंटरनेशनल ट्रेड, या व्हाट आर द इंपैक्ट्स ऑफ डोमेस्टिक सपोर्ट और इंटरनेशनल ट्रेड। इसके तीन इंपैक्ट्स हैं ये वाले, तो तीनों को बड़ी डिटेल के साथ हम अभी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे इतना नहीं लिखा हुआ, लेकिन आपको पता होना चाहिए, पेपर के अंदर भी अगर आता है तो आपको
आप इसको बड़ी आसानी से अटेम्प्ट करने के काबिल हों। तो सबसे पहला इसका ये इम्पैक्ट है कि इट स्क्वीजेज इम्पोर्ट्स। इसका मतलब इस ये जो फिक्रा है इसका मतलब तो ये है कि जो इम्पोर्ट्स हैं डोमेस्टिक सपोर्ट की वजह से वो कम हो जाती हैं। अब इसके पीछे इसकी रीजन क्या है वो आपने बतानी है। ये थ्योरी से आपको पता है चलेगा, या अभी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि डोमेस्टिक सपोर्ट क्यों इम्पोर्ट्स को कम करती है। उसकी वजह यह है कि जब गवर्नमेंट ये बता देती है कि आप ये चीज बनाएंगे तो ये इतने की बिकेगी, इससे कम पे नहीं बिकेगी, तो एक तो उसका प्रोड्यूसर या फार्मर उसको गारंटी हो गई कि इससे कम तो ये बिकना ही नहीं है, इससे ऊपर बिकेगा, इससे नीचे पे नहीं बिकेगी। दूसरी तरफ से गवर्नमेंट उसको सब्सिडी भी दे देती है, खाद वो सस्ती दे देती है, पानी सस्ता दे देती है, हल सस्ता दे देती है, ट्रैक्टर सस्ता दे देती है, लेजर लेवलिंग सस्ती कर देती है। तो इससे क्या होगा, प्रोडक्शन ज्यादा होगी। जो बहुत सारे जो लोग हैं वो दूसरे सेक्टर से भी एग्रीकल्चर के अंदर आने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मसलन जो दूसरे हैं उनको प्राइस की कोई गारंटी नहीं है, प्राइसेस कम या ज्यादा हो सकती हैं दूसरे प्रोडक्ट्स की। लेकिन जहाँ पे गवर्नमेंट ने ये बता दिया है कि मिनिमम गारंटीड प्राइस ये होगी, सपोर्ट प्राइस जिसको हम बोलते हैं, तो अल्टीमेटली बहुत सारे लोग जो छोड़ने वाले थे वो भी नहीं छोड़ेंगे, और कुछ लोग दूसरे बिजनेसेस से वो इसमें एंटर होंगे। दूसरी तरफ से इनपुट भी अगर आप सस्ती कर देंगे तो और ज्यादा वो इनपुट ज्यादा डालेंगे। आपने ये आपने पढ़ा हुआ है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कास्ट। जब इनपुट सस्ती होगी मार्जिनल कास्ट नीचे होगी, आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट जो है वो आगे की तरफ जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो प्रोडक्शन, जब लोकल प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगी तो इम्पोर्ट्स की जरूरत कम पड़ेगी। तो इससे क्या होगा, जब इम्पोर्ट्स की जरूरत कम पड़ जाएगी तो फिर इंटरनेशनल ट्रेड वो तो बैठ जाएगी। जिन लोगों के पास सरप्लस प्रोडक्ट पड़ा हुआ है तो वो उसका क्या करेंगे, वो जाया हो जाएगा। जो मुल्क पहले आपको या हमें चीजें भेज रहा था और आपने डोमेस्टिक सपोर्ट दे के उसकी प्रोडक्शन ज्यादा कर दी है, उसको नहीं पता, तो वो तो उसी तरह से प्रोड्यूस करेगा अपने बंदों के लिए, अपनी आबादी के लिए, और जो फालतू है वो हमें बेचने के लिए। लेकिन जब हमने ये वाली इंटरवेंशन कर दी है तो फिर क्या होगा, उसका जो सरप्लस प्रोडक्ट है वो जाय हो जाएगा। और वो जाय हो ना हो, लेकिन जो इंटरनेशनल मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है वो सफर होगी। तो एक तो ये है कि डोमेस्टिक सपोर्ट की वजह से इंपोर्ट्स कम होती हैं। दूसरा देखें आप, इट नेसेसिटेट्स एक्सपोर्ट सब्सिडीज। डोमेस्टिक सपोर्ट जब आप देते हैं, मैंने आपको अभी बताया है कि इससे जो लोकल प्रोडक्शन है वो ज्यादा हो जाती है। जब ज्यादा होगी डिमांड तो उतनी है, आबादी भी उतनी है, आबादी में कोई खास इजाफा नहीं हुआ, डिमांड भी तकरीबन उतनी ही रहेगी, तो जो सरप्लस प्रोडक्शन है उसका क्या करेंगे, उसका हमने लोकल, अब जो बंदे दिन में 3 दफा खाते हैं वो 6 दफा तो नहीं खाएंगे। आपकी गवर्नमेंट ये तो नहीं कहेगी कि आप 6 दफा दिन में खाना खाएं, या 2 रोटियों की बजाय 1 टाइम पे 4 रोटियां खाएं, तो ऐसा तो नहीं है। तो दूसरा ऑप्शन आपके पास है कि आप इसको एक्सपोर्ट कर दें। तो अब एक्सपोर्ट करने के लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट सब्सिडी। जो प्रोड्यूसर है जिसके पास सरप्लस गंदम पड़ी है या एक्सपोर्टर है, वो एक्सपोर्ट करने के काबिल इसलिए नहीं है कि उसका एक तो पिछला तजर्बा नहीं है, दूसरा इतना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर, इतने ज्यादा उसके पास पैसा सरमाया नहीं है। तो फिर वो गवर्नमेंट की तरफ देखेगा कि आप मुझे, आप, मैंने लास्ट टाइम बताया था कि एक्सपोर्ट सब्सिडी किस फॉर्म में हो सकती है, वो हो सकती है, वो कह सकता है कि मुझे ट्रांसपोर्ट दें शिप पोर्ट तक, मुझे हैंडलिंग लोडिंग अनलोडिंग दें, मुझे वहां पे शिप के ऊपर जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हैं वो दें,
मुझे पोर्ट हैंडलिंग चार्जेस और पोर्ट के ऊपर अगर मुझे कुछ स्टोरेज करनी है या फ्रेट चार्जेस हैं वो मुझे कम करवाएं, तो फिर गवर्नमेंट के ऊपर वजन आएगा, बर्डन आएगा। पहले इनपुट सब्सिडी दी, अब जब प्रोडक्शन ज्यादा हुई तो अब फिर वो एक्सपोर्ट सब्सिडी देगी, तो एक्सपोर्ट सब्सिडी के लिए भी पैसा टैक्स के पैसे से आएगा और इनपुट सब्सिडी के लिए भी कंज्यूमर से ही पैसा इकट्ठा करके मिलेगा, तो इसका ये भी प्रॉब्लम है कि जब ज्यादा प्रोडक्शन हो जाएगी तो आपको एक्सपोर्ट सब्सिडी के बगैर आप इसको बाहर नहीं भेज पाएंगे, तो इसलिए और पैसे देने पड़ेंगे। तीसरा है लो प्राइस डंपिंग इन वर्ल्ड मार्केट, तो ये तीसरा इंपैक्ट है डोमेस्टिक सपोर्ट का। आप देखें ये बिल्कुल चीजें मिलती जुलती हैं, एक तो इंपोर्ट्स कम हुई, प्रोडक्शन लोकल प्रोडक्शन ज्यादा हुई, आप इंपोर्ट की जरूरत नहीं है। आपने लोकल प्रोडक्शन ज्यादा कैसे की है, आपने ज्यादा की है इनपुट सब्सिडी दे के या डोमेस्टिक सपोर्ट प्राइस दे के। उससे क्या हुआ कि आपके पास जरूरत से ज्यादा प्रोडक्ट बन गया, उसको आपने बाहर भेजना है तो उसके लिए फिर आपको एक्सपोर्ट सब्सिडी देनी पड़ी है। अब जहां पे जिस मार्केट में भी आप जाते हैं उनको इतनी ज्यादा जरूरत भी नहीं है, आपने वर्ल्ड मार्केट में जाना है, तो अब अगर आपको वो चीज यहाँ पे 100 रुपए की पड़ रही है और वो सरप्लस पड़ी है, 100 रुपए पे कोई खरीदने के लिए तैयार ही नहीं है लोकल मार्केट में, क्योंकि सबके पास गंदम पड़ी है और एक्स्ट्रा पड़ी है तो कोई नहीं लेगा, तो आप गवर्नमेंट से एक्सपोर्ट सब्सिडी लेके उसको वर्ल्ड मार्केट में लेके जा रहे हैं, तो वहां पे अगर उसकी डिमांड नहीं है तो डिमांड ज्यादा करने के लिए आपने लाफ डिमांड पड़ा हुआ है, तो क्या करेंगे आप, प्राइस कम करेंगे। अगर यहाँ पे 100 रुपए की बिक रही है तो वर्ल्ड मार्केट में आप शायद उसको 90 में भी बेच दें, आप 80 में भी बेच, जब आप लेके चले गए वर्ल्ड मार्केट में तो वहां पे आपको 80 में भी बेचनी पड़ी आप बेचेंगे, आप 70 में भी बेचें तो बेच सकते हैं, लेकिन वो 70 में यहाँ पे नहीं बिकनी, वो तो 100 पे भी नहीं बिकनी, लेकिन चूंकि 100 रुपए लोकल मार्केट प्राइस है, 100 पे बिक चुकी है, सबने अपने अपनी जितनी जरूरत थी ले ली है 100 रुपए पे, तो अब आप प्राइस कम भी करेंगे तो कोई नहीं लेगा लोकल मार्केट में। तो आपने दूसरा ऑप्शन लिया बाहर एक्सपोर्ट सब्सिडी लेके बाहर वर्ल्ड मार्केट में लेके गए, वहां पे भी आपको प्राइस उसकी कम करनी पड़ेगी, इसको हम बोलते हैं डंपिंग। डंपिंग क्या होती है, ये होती है आप जब वर्ल्ड मार्केट में लोकल मार्केट की निस्बत कम प्राइस पे आप चीजें बेचते हैं, तो डंप करते हैं आप, बस उससे जान छुड़ाते हैं कि किसी तरह कुछ ना कुछ हमें मिल जाए, जहां पे जाय होने की बजाय, आग लगाने की बजाय, फेंकने की बजाय कुछ तो वहां से मिलेगा ना, तो इसलिए आप डंपिंग करते हैं। जैसे आप सुनते हैं चाइना हमारे यहाँ उसके उधर उसी चीज की प्राइस ज्यादा होगी लेकिन यहाँ पे वो सस्ती में बेच देते हैं, तो ये तीन हम डंपिंग के ऊपर इसका WTO का एग्रीमेंट है, हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन मैंने आपको डंपिंग बता दी है। डंपिंग क्या होती है, सेलिंग ऑफ ए प्रोडक्ट एट लोअर प्राइस इन वर्ल्ड मार्केट एज कंपेयर टू द प्राइस प्रिवेलिंग इन द लोकल मार्केट, तो जो डोमेस्टिक मार्केट में प्राइस चल रही होती है उससे कम प्राइस पे वर्ल्ड मार्केट में आप जो चीज बेचेंगे तो उसको हम बोलते हैं डंपिंग। तो इसका इसका उलट है, डंपिंग को रोकने के लिए फिर एंटी डंपिंग होती है, तो ये भी WTO का एक एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट ऑन एंटी डंपिंग, तो वो हम आगे चल के पढ़ेंगे, वो फाइनल के अंदर शायद आएगा। तो लेकिन अब आपने ये तीन इसके इम्पैक्ट्स देखे हैं और ये सारे इम्पैक्ट्स जो हैं वो डोमेस्टिक सपोर्ट के साथ लिंक्ड हैं। अब जो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर है वो हर तरह की डोमेस्टिक सपोर्ट को नहीं रोकता, उसने तीन बॉक्सेस बनाए हुए हैं,
डब्ल्यूटीओ का जो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर है उसने तीन तरह की पॉलिसीज दी हैं, प्रोग्राम्स हैं, जिसके अंदर वो कुछ डोमेस्टिक सपोर्ट को अलाउ करता है, कुछ को वो डिस्करेज करता है और कुछ को वो बिल्कुल बैन करता है। ठीक है, तो वो हम पढ़ेंगे। जो ये यहाँ पे आप देख रहे हैं कि AOA distinguishes program policies which stimulate production directly and those which have no direct impact on production. तो जो WTO है वो ऐसे programs और policies को differentiate करता है जिनका जो production है उसके ऊपर direct impact है, और कुछ ऐसे programs जिनका indirect impact है। तो फिर वो कहता है कि आपने कितनी और कहाँ पे किस लेवल पे आपने डोमेस्टिक सपोर्ट देनी है, और वो तीन जो पॉलिसीज हैं या प्रोग्राम्स हैं उनके उनको हम नाम देते हैं बॉक्सेस का, बॉक्सेस। तो इसमें सबसे पहला बॉक्स जो है या प्रोग्राम या पॉलिसी जिसको WTO का जो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर है वो उस पे डिटेल के साथ अपनी वो रूलिंग देता है, वो है एम्बर बॉक्स। एम्बर बॉक्स, एम्बर बॉक्स जो है आपने ये जो इशारे होते हैं चौक पे, उसमें एम्बर का जो है एम्बर पे आप रुक जाते हैं, आपने रुकना होता है। तो ये भी उसी तरह का एक पॉलिसी प्रोग्राम है जिसमें आपको जो डोमेस्टिक सपोर्ट है या ऐसी पॉलिसीज जो डायरेक्टली इंपैक्ट करती हैं प्रोडक्शन को, उनको आपने ख़त्म करना होता है या रोकना होता है। ख़त्म तो नहीं है, रिड्यूस करना होता है। यहाँ पे आप देख भी रहे हैं कि इलिमिनेट नहीं करना। तो एम्बर बॉक्स में वो पॉलिसीज शामिल हैं जो जिनका डायरेक्ट इंपैक्ट होता है ऑन प्रोडक्शन एंड ट्रेड, और इनको हम बोलते हैं ट्रेड डिस्टॉर्टिंग, यानी वो ट्रेड को डिस्टॉर्ट करती हैं। जैसे मैंने आपको पेपर की एग्जांपल दी थी कि कुछ पॉलिसीज ऐसी हो सकती हैं जो मार्क्स डिस्टॉर्टिंग हो सकती हैं, यानी आप किसी को एक दिन पहले पेपर बता दें और किसी को एक सेकंड पहले पेपर दें पेपर से, तो इससे नंबरों के ऊपर बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। तो बिल्कुल इसी तरह से ये वाली जो पॉलिसीज हैं एम्बर बॉक्स में, ये ऐसी पॉलिसीज हैं जिनका डायरेक्ट इंपैक्ट है प्रोडक्शन पे और फिर अल्टीमेटली ऑन ट्रेड। तो प्रोडक्शन होगी तो ट्रेड होगी, अगर प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो आप सरप्लस वर्ल्ड मार्केट में ले जाएंगे जो कि ट्रेड है। तो ऐसी पॉलिसीज या ऐसे प्रोग्राम्स या ऐसी सब्सिडीज जो हैं उनको आपने कट करना है, उनको कम करना है, दे हैव टू बी रिड्यूस्ड। और उन कितना कमी आपने लेके आनी है, जो एम्बर बॉक्स में मेजर्स हैं वो 13-20% तक आपने कम करने हैं। यानी अगर आप पहले 100 रुपए दे रहे हैं किसी चीज पे, तो आपने उसमें 13 रुपए कम कर देने हैं या कुछ में। तो ये एक रेंज है 13-20% के दरमियान आपने जो सपोर्ट है जो सब्सिडी है एम्बर बॉक्स में जो सब्सिडीज हैं उनकी अमाउंट 13-20% तक आपने जो मुल्क हैं उन्होंने कम करनी है, जबकि जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू कट डाउन दो सब्सिडीज। अब ये 13-20% हमने कैसे देखना है, वो बेस करता है ऑन AMS, एग्रीगेट मेजर्स ऑफ सपोर्ट। 1986-88 के अंदर जितनी सब्सिडीज दी जा रही थी उनके हवाले, उसको बेस ईयर लेके हमने डिसाइड करना है कि कितनी सब्सिडी दी जा रही थी 1986-88 के दरमियान, उसकी एवरेज निकालनी है। और जो जब WTO आ गया तो उसका हमने 13-20% हमने
काम करना था, ये है एम्बर बॉक्स। तो एम्बर बॉक्स में वो वाली पॉलिसीज शामिल है जिनका डायरेक्ट इम्पैक्ट है ऑन प्रोडक्शन एंड ट्रेड। दूसरे जो दो हैं वो हैं ग्रीन बॉक्स एंड ब्लू बॉक्स। तो ग्रीन बॉक्स और ब्लू बॉक्स ये दोनों ऐसे बॉक्सेस हैं, पॉलिसीज हैं, जिनका इतना ज्यादा ट्रेड पे या प्रोडक्शन पे असर नहीं होता एंड दे कैन बी यूज फ्रीली। उनको आप खुलेआम आप बड़ी आसानी से आप दे सकते हैं। तो ग्रीन बॉक्स में कौन सी सब्सिडीज शामिल हैं? इसमें जो गवर्नमेंट की सर्विसेज हैं, रिसर्च, डिजीज कंट्रोल, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फूड सिक्योरिटी, इस इन चार एरियाज के ऊपर जो गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। तो इससे क्या हो? रिसर्च करेंगे तो इसका डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं है प्रोडक्शन पे, लेकिन इनडायरेक्टली ये प्रोडक्शन को इंपैक्ट करेगी। डिजीज कंट्रोल पे जैसे अभी आपने लोकस्ट, वो टड्डी दाल आपने सुना, तो उसको रोकने के लिए अगर गवर्नमेंट ने कोई फार्मर से सपोर्ट की है तो वो ग्रीन बॉक्स में आती है। ये डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं करेगी बल्कि जो लोकल प्रोडक्शन है उसको सेफ गार्ड करने के लिए आप रिसर्च के ऊपर फंड्स लगाते हैं, आप डिजीज कंट्रोल के ऊपर आप फंड्स लगाते हैं, आप खाले बनाते हैं, आप सड़कें बनाते हैं, आप नहरें बनाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर या फूड सिक्योरिटी, ये सारी जो सपोर्ट है ये दी जा सकती है। इसका ना ट्रेड के ऊपर कोई असर पड़ता है ना प्रोडक्शन के ऊपर असर पड़ता है। इसी तरह से दूसरी, पेमेंट्स मेड डायरेक्टली टू फार्मर्स दैट डू नॉट स्टिमुलेट प्रोडक्शन, और ऐसी पेमेंट्स भी जो फार्मर्स को तो दी जाती हैं लेकिन उनका प्रोडक्शन के ऊपर कोई डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं है। मसलन सर्टेन फॉर्म्स ऑफ डायरेक्ट इनकम सपोर्ट, अब ये जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है ये फार्मर्स को भी मिलता होगा, लेकिन वो सारे का सारा तो वो किसी क्राप पे नहीं लगाते, वो घर में भी लगाते हैं, बच्चों की तालीम पे भी लगाते होंगे, थोड़ा बहुत वो फार्मिंग पे भी लगा देते होंगे। तो ऐसा ऐसी सब्सिडीज या ऐसी सपोर्ट के ऊपर कोई कदगन नहीं लगाता WTO का जो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर है। इसी तरह से असिस्टेंस टू फार्मर्स फॉर रिस्ट्रक्चरिंग एग्रीकल्चर, आप फार्मर्स को अगर कोई असिस्टेंस दे रहे हैं फॉर द रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ देयर फार्म लेवल ऑपरेशंस, मसलन आप कहते हैं आप ये ट्रैक्टर ले लें, आप ये ट्यूबवेल की जगह पे आप फलां चीज लगाएं, आप स्प्रे मशीन की बजाय आप बूंद स्प्रेयर ले लें, तो ये रिस्ट्रक्चरिंग के लिए आप जो कर रहे हैं ये अलाउड है। इसी तरह से ब्लू बॉक्स मेयर्स, ये ऐसे मेयर्स हैं विच इनकरेज एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो ब्लू बॉक्स मेयर्स में क्या होता है, ये ऐसे मेयर्स हैं जो एग्रीकल्चरल और रूरल डेवलपमेंट को इन्हांस करते हैं और ये भी अलाउड हैं। मसलन इसी तरह से सर्टन फार्म्स ऑफ डायरेक्ट पेमेंट्स टू फार्मर्स वेयर द फार्मर्स आर रिक्वायर्ड टू लिमिट प्रोडक्शन, कुछ ऐसी पेमेंट्स भी होती हैं जिसमें आप फार्मर को कहते हैं कि आप यार इस चीज की प्रोडक्शन कम कर दें, आप उसकी प्रोडक्शन लिमिट करवाना चाहते हैं, कम करवाना चाहते हैं, जबकि फार्मर कहता है मेरा तो रोजगार भी, मेरा तो खाना पीना, मेरे बच्चों का पेट इसी से पलता है, मैं कैसे कम करूं। तो गवर्नमेंट कह सकती है कि आप ये ले हमारी तरफ से कुछ सपोर्ट और आप उसकी प्रोडक्शन कम कर दें, तो ये भी अलाउड है। ये कंसेप्ट है डी मिनिमल सपोर्ट। तो डी मिनिमल सपोर्ट क्या है, ये है स्मॉल स्केल सपोर्ट कंपेयर्ड विद टोटल वैल्यू ऑफ सपोर्टेड प्रोडक्ट्स, और ये यानी आप कितनी मिनिमम लेवल ऑफ सपोर्ट जो आप अपने फार्मर्स को दे सकते हैं। तो मिनिमम स्मॉल स्केल सपोर्ट कंपेयर्ड विद द टोटल वैल्यू ऑफ सपोर्टेड प्रोडक्ट्स, तो ये 10% है डेवलपिंग कंट्रीज के लिए और 5% है डेवलप्ड कंट्रीज के लिए। तो ये डी मिनिमम सपोर्ट है जो कम से कम कोई भी मुल्क जो है वो दे सकता है। एक्सपोर्ट सब्सिडी में हमने बड़ी डिटेल के साथ पढ़ा था, तो
जो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर है वो एक्सपोर्ट सब्सिडीज को रोकता है। हाँ, उस फॉर्म में, उस शक्ल में नहीं रोकता व्हेन द सब्सिडीज आर स्पेसिफाइड इन ए मेंबर्स लिस्ट ऑफ कमिटमेंट्स। ऐसी सब्सिडीज को वो कुछ नहीं कहता जब मेंबर्स खुद उसके ऊपर एग्री कर चुके हैं। मतलब इंडिया और पाकिस्तान कहते हैं कि ठीक है, आप 10% एक्सपोर्ट सब्सिडी दे दें, हम कुछ नहीं कहेंगे। और पाकिस्तान ने इंडिया को कहा, इंडिया ने पाकिस्तान को कहा है, तो WTO ऐसी चीज को नहीं रोकती। लेकिन आउटराइटली कोई देता है एक्सपोर्ट सब्सिडी तो जो WTO है उसको प्रोहिबिट करती है। इसी तरह से जो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर है वो एक्सपोर्ट सब्सिडीज को दोनों तरह से रोकने की कोशिश करता है। इट रिड्यूसेस बोथ द अमाउंट ऑफ मनी ऑन एक्सपोर्ट सब्सिडीज एंड क्वांटिटीज ऑफ एक्सपोर्ट्स रिसीविंग सब्सिडीज। तो ये दो तरह से सब्सिडीज ऑन एक्सपोर्ट्स को रोकने की कोशिश करता है। एक तो ये है कि आपने एक्सपोर्ट सब्सिडीज के ऊपर कितने पैसे देने हैं, यानी अगर एक गवर्नमेंट हर साल 1 अरब रुपया, पाकिस्तान फर्ज करें, 1 अरब रुपया एक्सपोर्ट सब्सिडीज पे दे रही है, तो WTO कह सकती है कि आपने 20 करोड़ से ज्यादा नहीं देने एक्सपोर्ट सब्सिडी के लिए। एक ये हो गया कि मनी स्पेंट ऑन एक्सपोर्ट सब्सिडीज। दूसरा है कि क्वांटिटीज ऑफ एक्सपोर्ट्स रिसीविंग सब्सिडीज। तो ये पाकिस्तान 100 अरब दे रहा था, तो 100 से WTO ने कहा कि आप 20 करोड़ से ज्यादा नहीं दे सकते, बस ये है, इससे ज्यादा नहीं, आप इतना की कर सकते हैं। और 20 करोड़ भी अगर आपने देना है तो ये सारी एक्सपोर्ट्स पे नहीं देना, उसमें कुछ क्वांटिटीज ऑफ एक्सपोर्ट्स, यानी आप 10% पे दे दें। अगर आपने 100 मन गंदम आपने एक्सपोर्ट करनी है तो 10 मन पे आप एक्सपोर्ट सब्सिडी दें, बाकी जो 90 मन है वो बगैर एक्सपोर्ट सब्सिडी के जाए, ठीक है ना। तो ये क्वांटिटीज ऑफ, या आपने 10 प्रोडक्ट्स हैं, ये नहीं कि जितनी चीजें आपके यहाँ से एग्रीकल्चर से मुतल्लिक एक्सपोर्ट हो रही हैं आपने सब पे एक्सपोर्ट सब्सिडी नहीं देनी, बल्कि आपने उसको लिमिट करना है 10% या 20% या 30%। तो यहाँ भी ये इस एग्रीमेंट के अंदर भी जो एक्सपोर्ट सब्सिडीज हैं, इसके अंदर भी जो कंट्रीज हैं उन्होंने आपस में ये एग्री कर लिया कि हम एक्सपोर्ट सब्सिडीज को मुकम्मल तो खत्म नहीं करते लेकिन हम इनको कम करेंगे, तो वो कम हुई हैं। तो नटशेल में अगर हम एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर को समराइज करें तो देर आर सम न्यूमेरिकल टारगेट्स फॉर एग्रीकल्चर। यूरोगाय राउंड में जैसे हमने कहा कि बहुत सारे जो टारगेट्स हैं रिलेटेड टू सब्सिडीज एंड प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन है डोमेस्टिक सपोर्ट, सब्सिडीज के हवाले से डोमेस्टिक सपोर्ट, और प्रोटेक्शन है मार्केट एक्सेस जो आप टैरिफ लगाते हैं। तो दोनों आप देखें, यहाँ पे डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज, इनके पास 6 साल का इनको टाइम पीरियड दिया गया इम्प्लीमेंटेशन का, डेवलपिंग कंट्रीज को 10 साल का टाइम पीरियड दिया गया। 1995 से 2000 तक इन्होंने इसको फेज आउट करना था अपनी एग्रीकल्चर को, और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उन्होंने 10 साल में। तो अब हम टैरिफ्स की अगर बात करें, टैरिफ्स किससे रेलिवेंट है, डोमेस्टिक, ये मार्केट एक्सेस से। तो एवरेज कट फॉर ऑल एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं दे वर रिक्वायर्ड टू कट 36% ऑफ देयर टैरिफ्स। तो हमने पहले भी पढ़ा, तो जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको 36% कम करना था टैरिफ्स को, और उसके लिए टाइम पीरियड इनके पास था 6 साल। जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उन्होंने 24% काम करना था, और उनके पास जो इम्प्लीमेंटेशन टाइम था वो 10 साल का था। मिनिमम कट पर प्रोडक्ट, मिनिमम कट
तो डेवलप्ड कंट्रीज के लिए 15% और डेवलपिंग के लिए 10%, कि कम से कम जो जो डेवलप्ड कंट्रीज ने टैरिफ कम करना था वो 15%, 15% से ज्यादा वो कर सकते थे लेकिन 15% से कम नहीं कर सकते थे, जबकि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो 10% से ऊपर जा सकते थे, 10% से नीचे नहीं है। हमने डोमेस्टिक सपोर्ट की बात की है, टोटल एग्रीगेट एएमएस एग्रीगेट मेजर्स ऑफ सपोर्ट कट्स पर सेक्टर एग्रीकल्चर की बात हो रही है, 1986 से 88 का बेस पीरियड, उस दौरान में जो डोमेस्टिक सपोर्ट सब्सिडीज दी जा रही थी उनका 20% कम करना था डेवलप्ड कंट्रीज ने और 13% कम करना था डेवलपिंग कंट्रीज ने। इनके पास 10 साल का टाइम है, इनके पास 6 साल का टाइम था। एक्सपोर्ट सब्सिडीज की अगर हम बात करें तो इसके अंदर भी जो वैल्यू ऑफ सब्सिडीज है वो 36% कम करनी थी डेवलप्ड कंट्रीज ने 6 साल के अंदर, जबकि डेवलपिंग कंट्रीज को देखें आप तो इनको दोनों तरह से सपोर्ट करने की कोशिश की जाती रही है, कि एक तो इनके पास टाइम पीरियड ज्यादा था 10 साल का, 10 साल में इन्होंने 24% काम करना था, ये देखें यहाँ पे, और एक तो जो अमाउंट है एक्सपोर्ट सब्सिडीज की वो भी कम है जबकि इनको 36% काम करनी है। तो जैसे हमने कहा कि मनी स्पेंट ऑन एक्सपोर्ट सब्सिडीज वो 36% और 24% है, और दूसरा था क्वांटिटीज गेटिंग एक्सपोर्ट सब्सिडीज, तो नंबर ऑफ क्वांटिटीज या अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स विच वर गेटिंग एक्सपोर्ट सब्सिडी, डेवलप्ड कंट्रीज ने 21% कम करनी थी और बेस पीरियड इसके लिए 1986 से 90 का लिया गया, 21% उन्होंने कम करने थे नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स या नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ कमोडिटीज या क्वांटिटीज 21%, जबकि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उन्होंने 14% काम करना था। नीचे आप देख रहे हैं कि लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज वर नॉट रिक्वायर्ड टू डू एनीथिंग रिलेटेड टू टैरिफ और सब्सिडीज, और हमने ये मैंने आपको बता दिया, द बेस लेवल फॉर टैरिफ कट्स वाज द बाउंड रेट बिफोर 1 जनवरी 1995।